हेलो गाइस, आज हम रिलीजन रिलेटेड वोकैबुलरी लेकर आए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। सो प्लीज़ आफ्टर वॉचिंग अ वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अर चैनल। विदाउट फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। डेप्टी भक्त सेंटेंस है। द डेप्टीज वर ऑफरिंग द मिल्क टू शिवलिंग। भक्त शिवलिंग को दूध चढ़ा रहे थे। प्रोफेट पैगम्बर सेंटेंस है। मोहम्मद वॉज अ मुस्लिम प्रोफेट। मोहम्मद एक मुस्लिम पैगंबर थे। प्रीच प्रवचन देना सेंटेंस है। द सेंट वॉज प्रीचिंग। संत प्रवचन दे रहा था। सरमन धर्म उपदेश या कह सकते हैं धर्म का उपदेश। सेंटेंस है महात्मा बुद्ध डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन इन सारनाथ। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश सारनाथ में दिया था। डिसाइपल शिष्य या कह सकते हैं अनुयायी। सेंटेंस है ही बिकेम द डिसाइपल ऑफ अ सेंट। वो किसी संत का शिष्य बना। एनलाइटनमेंट ज्ञान सेंटेंस है ही अटेंड एनलाइटनमेंट एट द एज ऑफ 30। उसने 30 साल की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति की। ब्लिस मोक्ष देखिए मोक्ष का मतलब होता है जन्म मरण के चक्कर से बाहर आना। सेंटेंस है आई वॉन्ट टू अटेन ब्लिस। मैं मोक्ष प्राप्त करना चाहता हूँ। ग्रेस कृपा सेंटेंस है आई विल सक्सीड विद द ग्रेस ऑफ गॉड सम डे और द अदर। मैं किसी ना किसी दिन भगवान की कृपा से सक्सेसफुल होऊंगा या कह सकते हैं सफल होऊंगा। पिलग्रिम तीर्थयात्री एंड पिलग्रिमेज धार्मिक यात्रा। सेंटेंस देख लेते हैं। सेवरल पिलग्रिम्स वर गोइंग टू अमरनाथ। अनेक तीर्थयात्री अमरनाथ जा रहे थे। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। दिस इज़ माई फर्स्ट पिलग्रिमेज टू अमरनाथ। यह मेरी अमरनाथ की पहली धार्मिक यात्रा है। चांट कीर्तन करना या कह सकते हैं कीर्तन। ठीक है, इसका मतलब होता है रिलीजियस सॉन्ग गाना। सेंटेंस है द डेप्टीज वर चांटिंग इन साइड द टेम्पल। भक्त मंदिर में कीर्तन कर रहे थे। कंपैशन दया सेंटेंस है एवरी रिलीजन टीचर्स अस कंपैशन। हर धर्म हमें दया सिखाता है। हिम भजन गान सेंटेंस है आई लाइक सिंगिंग हिम्स। मुझे भजन गान करना पसंद है या कह सकते हैं मुझे भजन गान गाना पसंद है। रीड आउट पढ़कर सुनाना सेंटेंस है द पास्टर वॉज रीडिंग आउट द बाइबल। पादरी बाइबल पढ़कर सुना रहा था। पुलपिट प्रवचन मंच देखिए इसका मतलब होता है कि जिस मंच से धार्मिक प्रवचन दिया जाता है उसे कहते हैं पुलपिट। सेंटेंस है द सेंट वॉज सिटिंग ऑन द पुलपिट। संत प्रवचन मंच पर बैठे थे। रिनाउंस छोड़ना सेंटेंस है ही रिनाउंस्ड हिज रिलीजन। उसने अपना धर्म छोड़ दिया। कैथीड्रल मुख्य गिरजाघर सेंटेंस है दिस इज कैथीड्रल ऑफ दिस सिटी। इस शहर का जो मुख्य गिरजाघर है। कॉन्ग्रीगेशन धार्मिक मंडली या कह सकते हैं भक्त मंडली। सेंटेंस है कॉन्ग्रीगेशन गैदर्ड इन द टेम्पल। धार्मिक मंडली टेम्पल में एकत्रित हुई या कह सकते हैं भक्त मंडली मंदिर में एकत्रित हुई। क्लैरिक मौलवी सेंटेंस है ही इज़ अ क्लैरिक ऑफ दिस मॉस्क। वो इस मस्जिद का एक मौलवी है। पास्टर पादरी सेंटेंस है द पास्टर वॉज प्रेइंग टू गॉड। पादरी ईश्वर को प्रार्थना कर रहा था। प्रिस्ट पुरोहित या कह सकते हैं पंडित। सेंटेंस है द प्रिस्ट वॉज वर्शिपिंग आइडल्स ऑफ गॉड। पुरोहित भगवान की मूर्तियों की पूजा कर रहा था। मंक भिक्षु या कह सकते हैं सन्यासी। देखिए इसका मतलब होता है कि जो बुद्ध धर्म में सन्यासी होते हैं उनको कहते हैं मंक या फिर भिक्षु। सेंटेंस है ही इज़ अ बुद्धिस्ट मंक। वो एक बुद्ध का भिक्षु है। अब्लूशन हाथ पैर धोने का कार्य। देखिए इसका मतलब होता है कि जब आप कोई धार्मिक कार्य के लिए हाथ पैर धोते हैं तो उसे कहते हैं अब्लूशन। सेंटेंस है यू नीड टू परफॉर्म योर अब्लूशंस। तुझे हाथ पैर धोने की ज़रूरत है। सेलिब्रेट ब्रह्मचारी देखिए इसका मतलब होता है कि जो धार्मिक कारणों के कारण शादी नहीं करवाता।
सेंटेंस है ही वॉन्ट्स टू बिकम द सेलिब्रेट, वो ब्रह्मचारी बनना चाहता है। वर्शिप पूजा करना सेंटेंस है ही वॉज वर्शिपिंग द ड्यूटीज, वो देवी देवताओं की पूजा कर रहा था। आइडल मूर्ति सेंटेंस है आइडल वर्शिप इज प्रोहिबिटेड इन सम रिलीजन्स, कुछ धर्मों में मूर्ति पूजा की मनाही है। ऑफर अर्पण करना या कह सकते हैं भेंट करना सेंटेंस है ही ऑफर्ड गोल्ड टू द टेम्पल, उसने मंदिर को सोना भेंट किया। सैक्रामेंट या कह सकते हैं ऑफरिंग, इसका मतलब होता है प्रसाद। डिवाइन दैवी सेंटेंस है सेंट्स हैव डिवाइन पावर्स, संतों के पास दैवी शक्तियां होती हैं। सेक्रेट पवित्र सेंटेंस है दिस इज अ सेक्रेट बुक, यह एक पवित्र किताब है। सेंक्टिटी पवित्रता सेंटेंस है वी शुड मेंटेन द सेंक्टिटी ऑफ दिस रिलीजियस प्लेस, हमें इस धार्मिक जगह की पवित्रता को बनाए रखना चाहिए। सेंक्टिफाई पवित्र करना सेंटेंस है दे सेंक्टिफाइड दैट प्लेस विद मिल्क, उन्होंने दूध के साथ इस जगह को पवित्र किया। डेसिक्रेट अपवित्र करना सेंटेंस है ही ट्राइड टू डेसिक्रेट दिस रिलीजियस प्लेस, उसने इस धार्मिक जगह को अपवित्र करने की कोशिश की। डेसिक्रेशन या कह सकते हैं सैक्रिलेज, अपवित्रीकरण सेंटेंस है दिस एक्ट ऑफ सैक्रिलेज हैपेंड इनसाइड अ टेम्पल, अपवित्रीकरण का यह कार्य मंदिर के अंदर हुआ। प्रोफेन अनादर करना सेंटेंस है डोंट प्रोफेन एनी रिलीजन, किसी भी धर्म का अनादर ना करें। मेडिटेट ध्यान करना सेंटेंस है यू शुड मेडिटेट एवरी डे इन द मॉर्निंग, तुझे हर रोज सुबह को ध्यान करना चाहिए। सल्वेशन मुक्ति सेंटेंस है ही हैज अटेन्ड द सल्वेशन, उसने मुक्ति प्राप्त कर ली है। इनकारनेशन अवतार सेंटेंस है गुरु नानक देव वॉज इंडीड द इनकारनेशन ऑफ गॉड, गुरु नानक देव सचमुच भगवान के अवतार थे। इमोर्टल अमर इसका मतलब होता है जो मर ना सके, कहने का मतलब जो मरता ना हो और जो नष्ट ना होता हो। दूसरा है मोर्टल नाशवान, इसका मतलब होता है जो नष्ट हो जाता है, जो मर जाता है। सेंटेंस देख लेते हैं नो वन इज इमोर्टल इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में कोई भी अमर नहीं है। दूसरा सेंटेंस है वी ऑल आर मोर्टल, हम सब नाशवान हैं। पे ओबेसेंस माथा टेकना सेंटेंस है आई एम गोइंग टू पे ओबेसेंस, मैं माथा टेकने जा रहा हूँ। ट्रांसमाइग्रेट एक जगह से दूसरी जगह प्रवेश करना सेंटेंस है ही सोल हैज़ ट्रांसमाइग्रेटेड टू अदर बॉडी, उसकी आत्मा ने दूसरी बॉडी में प्रवेश कर लिया है, या कह सकते हैं उसकी आत्मा ने दूसरे शरीर में प्रवेश कर लिया है। ट्रांसमाइग्रेशन आत्मा का मौत के बाद दूसरे शरीर में प्रवेश सेंटेंस है कॉमन पीपल कैन नॉट सी द ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल, आम लोग आत्मा का मौत के बाद दूसरे शरीर में प्रवेश नहीं देख सकते। रिचुअल या कह सकते हैं राइट धार्मिक रिवाज सेंटेंस है देयर आर सेवरल रिचुअल्स परफॉर्म्ड ऑन एवरी ओकेजन, हर मौके पर बहुत सारे धार्मिक रिवाज किए जाते हैं। रिचुअलिज्म कर्मकांड सेंटेंस है रिचुअलिज्म हैज़ ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ अवर कल्चर, कर्मकांड हमेशा से ही हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है। सिन पाप करना या कह सकते हैं पाप सेंटेंस है आई हैव कमिटेड अ नंबर ऑफ सिंस इनएडवर्टेंटली इन माई लाइफ, मैंने अनजाने में अपने जीवन में बहुत सारे पाप किए हैं। मेक अ वो मन्नत मांगना सेंटेंस है ही मेड अ वो टू गेट अ जॉब, उसने कोई नौकरी लेने के लिए मन्नत मांगी। कर्स शाप देना या कह सकते हैं अभिशाप ही वॉज कर्स्ड, उसे शाप दिया गया था या कह सकते हैं वो शापित था। होरोस्कोप कुंडली सेंटेंस है दिस इज माई होरोस्कोप, यह मेरी कुंडली है। एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी सेंटेंस है द एस्ट्रोलॉजर वॉज रीडिंग हिज पाम, ज्योतिषी उसका हाथ देख रहा था या कह सकते हैं उसकी हाथों की लकीरें पढ़ रहा था। ऑर्थोडॉक्स कट्टरपंथी सेंटेंस है ऑर्थोडॉक्सेस आर प्रेजेंट इन एवरी रिलीजन,
कट्टरपंथी हर धर्म में मौजूद होते हैं। सेकुलर धर्मनिरपेक्ष या कह सकते हैं गृहस्थी पादरी। सेंटेंस है, सम पीपल आर सेकुलर, कुछ लोग धर्मनिरपेक्ष होते हैं। थीस्ट आस्तिक, देखिए इसका मतलब होता है कि जो परमात्मा की मौजूदगी मानता हो कि परमात्मा होता है। सेंटेंस है, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज थीस्ट, दुनिया की ज़्यादातर जनसंख्या आस्तिक हैं। अथीस्ट नास्तिक, इसका मतलब होता है कि जो परमात्मा की मौजूदगी को ना मानता हो, कहने का मतलब जो ये नहीं मानता कि परमात्मा होता है। सेंटेंस है, भगत सिंह वॉज अथीस्ट, भगत सिंह नास्तिक थे। अग्नोस्टिक संशयवादी, देखिए इसका मतलब होता है कि जिसे लगे कि परमात्मा होता भी है और नहीं भी होता, कहने का मतलब वो कन्फ्यूज़न में होता है, उसे लगता भी है परमात्मा होता है और नहीं भी लगता, उसे कहते हैं अग्नोस्टिक। सेंटेंस है, माय फ्रेंड इज़ अग्नोस्टिक, मेरा दोस्त संशयवादी है। मोनोथीस्ट एक ईश्वरवादी, इसका मतलब होता है कि जो ये मानता हो कि परमात्मा एक ही होता है। सेंटेंस है, आई एम मोनोथीस्ट, मैं एक परमात्मा को मानने वाला हूँ। पॉलीथीस्ट बहु ईश्वरवादी, इसका मतलब होता है कि जिसे लगता है कि ईश्वर बहुत सारे होते हैं। सेंटेंस है, यू आर पॉलीथीस्ट, तुम बहु ईश्वरवादी हो। ओमनिशियंट अंतर्यामी, इसका मतलब होता है कि जो सब कुछ जानता हो। सेंटेंस है, गॉड इज ओमनिशियंट, परमात्मा अंतर्यामी है। ओमनीपोटेंट सर्वशक्तिमान, कहने का मतलब जिसके पास सभी शक्तियाँ हो। सेंटेंस है, गॉड इज ओमनीपोटेंट, परमात्मा सर्वशक्तिमान है। ओमनीप्रेजेंट सर्वव्यापक, इसका मतलब होता है कि जो हर जगह मौजूद हो। सेंटेंस है, गॉड इज ओमनीप्रेजेंट, परमात्मा सर्वव्यापक है। अलमाइटी ईश्वर या कह सकते हैं परमात्मा। सेंटेंस है, अलमाइटी एग्जिस्ट्स इन कॉस्मोस, ईश्वर ब्रह्मांड में मौजूद है। कॉस्मोस का मतलब होता है ब्रह्मांड, या कह सकते हैं यूनिवर्स। फॉन्ट जल कुंड, सेंटेंस है, देयर इज सेक्रेड वाटर इन दिस फॉन्ट, इस जल कुंड में पवित्र जल है। इंसेंस स्टिक अगरबत्ती, सेंटेंस है, यू शुड लाइट दिस इंसेंस स्टिक, तुझे इस अगरबत्ती को जलाना चाहिए। कंसर्वेटिव रूढ़ीवादी, इसका मतलब होता है जो पुराने ख्यालों का हो। पेनेंस, इसका मतलब होता है तपस्या। एसेटिक योगी या कह सकते हैं सन्यासी। सेंटेंस है, आई सॉ एन एसेटिक इन द मार्केट यस्टरडे, मैंने कल मार्केट में एक योगी को देखा, या कह सकते हैं कल मैं मार्केट में एक सन्यासी को देखा। स्क्रिप्चर धर्म ग्रंथ, सेंटेंस है, द गीता इज़ अ होली स्क्रिप्चर, गीता एक पवित्र धर्म ग्रंथ है। ब्लास्फीम ईश्वर निंदा करना, सेंटेंस है, ही ब्लास्फीम्ड, उसने ईश्वर निंदा की। ब्लास्फेमी ईश्वर निंदा, सेंटेंस है, ब्लास्फेमी इन सम कंट्रीज इज इलीगल, कुछ कंट्रियों में ईश्वर निंदा गैर कानूनी है। अपोस्टेट धर्म त्यागी, ही इज एन अपोस्टेट, वो एक धर्म त्यागी है। हेयरसी अपधर्म, सेंटेंस है, इट इज़ अ हेयरसी, यह एक अपधर्म है। फनेटिक कट्टरपंथी, सेंटेंस है, ही इज़ अ फनेटिक, वो एक कट्टरपंथी है। प्रोसेलाइट एक धर्म से दूसरे धर्म में जाना, सेंटेंस है, एवरी वन कैन प्रोसेलाइट, हर कोई एक धर्म से दूसरे धर्म में जा सकता है। एक्सपिएट अपने पापों का पश्चाताप करना, सेंटेंस है, ही एक्सपिएटेड हिज सिंस, उसने अपने पापों का पश्चाताप किया। एक्सकम्युनिकेट धर्म बहिष्कृत कर देना, कहने का मतलब कि धर्म से निकाल देना। सेंटेंस है, ही हैज़ बीन एक्सकम्युनिकेटेड, उसको धर्म से निकाल दिया गया। ऑस्ट्रासाइज समाज से निकालना, सेंटेंस है, दे वर ऑस्ट्रासाइज्ड, उनको समाज से निकाला गया। प्रिंसिपल सिद्धांत, सेंटेंस है, यू शुड रीड द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑल रिलीजन्स, तुम्हें सभी धर्मों के सिद्धांतों को पढ़ना चाहिए। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।